अयोध्या के संगीत घराने के एकमात्र चिराग मानस की अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेश सिंह जी भी का आवेदन करता हूं मैं उनको। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। आज मैं सुबह से ही छतरपुर मंदिर में जो विश्व शांति के लिए जो महायज्ञ किया जा रहा है उसका मैं कवर कर रहा हूं इस कार्यक्रम को, जिसके तहत एक मैंने वीडियो भी डाला है अभी अपने न्यूज चैनल पे। और अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता है मैं उनसे बात करता हूँ। अभी शाम का एक कार्यक्रम है। तो नमस्कार, पहले नाम बताइएगा सर अपना। मैं जितेंद्र कुशवाहा। हाँ तो जितेंद्र जी, आज तो मैंने पूरे दिन में यहाँ का जो मैंने कार्यक्रम का कवरिंग किया हूँ ये सारा जितने मंडप वहाँ कर, अभी यहाँ पर आप बताएंगे कि इस समय क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि आरती तो बहुत देर तक हुआ, अब आरती के बाद क्या कार्यक्रम है? सर आरती के बाद यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है और पूरे देश से जो मठाधीश आए हुए हैं, जो विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो विश्व के शांति के लिए किया गया है, और मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने परिवार सहित इस महायज्ञ में सम्मिलित हो और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, क्या योगदान है आपका आज इस कार्यक्रम में? मेरा योगदान यहाँ पर जो मीडिया को गाइड करना है कि यहाँ पे किस किस प्रकार के कहाँ कहाँ पर कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके अलावा जो भी है यहाँ का प्रचार प्रसार उसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाना है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं इस विश्व महायज्ञ में शामिल हो सके और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ठीक है, ओके। तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, मैं देख रहा हूँ आप कुछ ग्रुपों में लोगों का नंबर ले रहे हैं, तो आपका क्या योगदान है इस कार्यक्रम में? देखिए, इस कार्यक्रम में मैं संघ के माध्यम से इसमें सहयोग में क्या सहयोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें ये रखा गया कि आपको एक विभाग देखना है। हर कार्यक्रम का अलग अलग विभाग बनाया गया है, उसमें सांस्कृतिक और प्रचार विभाग जो है वो हमें सौंपा गया
गया है और मैं देखेंगे कि हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग भूखे प्यासे सुबह से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं कि हमें पैसा मिलेगा, इसलिए कि हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े, इसलिए सब लोग इस यज्ञ में लगे हुए हैं और शाम को जाकर सब लोग अल्पाहार लेंगे। तो ऐसा है तो नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हनुमंत है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं छतरपुर से हूँ। छतरपुर से हैं, तो क्या आपका योगदान क्या है इसमें? हमारा सभी का एक ही योगदान है, सेवा और सबको इस संस्कृति से जोड़ना और इस ज्ञान को सब घर घर तक पहुँचाना, ताकि जो छूट गए हैं हमारी संस्कृति से, ज्ञान से, इस वैदिक परंपरा से, जो विश्व शांति यानी कि सबके मन में जो भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग भ्रांतियाँ फैली हुई है, उन भ्रांतियों को दूर करना और ईश्वरीय मार्ग पर चलाना, ताकि सब ज्ञान से परिपूर्ण हो और अपने फिर से सबको सुखी कर सकें, सुखी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो अभी देखें कि उस तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ भी होने जा रहा है, तो चलिए अब हम आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर लेके चलते हैं। जय श्री राम। इतने महत्वाज्ञा ने प्रसाद మీ అందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి ప్రణామం చేస్తున్నాను। జై హింద్। యే పతా చల్ చుకా హై హమే కి రామదాస్ జీ కో ఏక హీ చీజ్ కా సహారా హై, వో హై సంజనో కా ఆశీర్వాద్। ఇస్లియే ఉన్హోనే ఇస్సే జ్యాదా కుచ్ బోల్నే కి హిమాకత్ నహీ కి। అబ్ జిస్ పల్ కా హమే ఇంతజార్ థా ఉస్ పల్ కి ఓర్ హమ్ ధీరే ధీరే బఢ్ రహే హై। మై ఆప్కి బేసబ్రీ సమజ్ సక్తా హూ, లేకిన్ అభీ ఏక, जैसा कि हमारी समिति के हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर गजल श्रीनिवास जी, जो कि अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, मैं संक्षिप्त परिचय गजल जी का जरूर कराना चाहूँगा। गजल जी, मुझे पता है वो नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय आप सबको, जो नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, उन्हें देश दुनिया जानती है। गजल जी स्वयं बहुत अच्छे गजल गायक हैं और इस कार्यक्रम का ये सूत्रधार भी हैं। चूँकि कार्यक्रम का सूत्रधार, कार्यक्रम के सूत्रधार श्री गजल श्रीनिवास जी अपने आप में गजल गाते हुए इतने मशगूल हो गए कि इन्होंने 130 से अधिक भाषाओं में गजल का गायन कर डाला और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको अप्रोच किया और रिकॉर्ड दर्ज किया, और ऐसा एक बार नहीं, तीन बार हुआ है। तीन बार गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है श्री गजल श्रीनिवास जी, आज वो हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है। उससे भी बड़ी बात जो गजल श्रीनिवास जी का है, इस पूरे कार्यक्रम के मार्गदर्शक, जो एक रोड मैप तैयार करता है कि कहां क्या, कैसे क्या, कौन क्या, वो सारा गजल श्रीनिवास जी ने किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के विशिष्ट गायक महर्षि ब्रह्म ऋषि श्री मानस दास जी महाराज को कि वो स्टेज पे आए और स्टेज की गरिमा को सोहान्वित करें। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष अखिल भारतीय बिंदु महासभा श्री नंद किशोर मिश्रा जी का भी, वो सभा पे आए और मानस दास जी को सम्मानित कर आशीर्वाद अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए आज के गायक और संत समाज के, अयोध्या के संगीत घराने के एकमात्र चिराग मानस दास जी का। हमारी समिति के एक अहम, कहिए कि अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेश सिंह जी भी का आवेदन करता हूं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पे आए और सम्मानित करें। धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी के इन्हीं वचनों के साथ मैं इस मंच को ब्रह्म ऋषि मानस दास जी को समर्पित करते हुए इस मंच से विदा लूंगा। अश्क आंखों में है उनको भी पी रहा
जुदाई का जहर पीकर फिर भी जी रहा हूं। कि तेरी गलियों में आने जाने से और दुश्मनी हो गई है जवानी, तेरी गलियों में सामने है मरना भी ना है, तेरी गलियों में सामने मरना जीना है, ओ तेरी गलियों तू एक नदीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नदीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नदीना है, तेरी गलियों सामने तेरी गलियों के सामने मरना जीना है, ओ तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नदीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नदीना है। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता, ये जुदाई महसूस में पी नहीं सकता, ये जुदाई नहीं सकता, तेरी नजरों से सामने जाओगे, तेरी नजरों से सामने ये जाओगे ना है, तेरी नजरों से सामने मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरा खुशी, तेरा गम मेरा गम, तू लहू है तू चाल है तू ही पते है,
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।